तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा MNC कंपनी में डाटा एंट्री जॉब्स के बारे में कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसमें डाटा एंट्री में जॉब कैसे मिलती है और उसमें जॉब्स होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यही सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो मैं बता दूं दोस्तों, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी में जॉब एक डेटा एंट्री की होती है। अब डेटा एंट्री इन द सेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई कंपनी है और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्सेल पे अपडेट होती हैं, वर्ड पे अपडेट होती हैं या कोई और उनके CCM वगैरह चलते हैं। एक बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है या सिट्रिक्स वगैरह चलता है जहाँ पे डेटा सारा उनका मूव होता है। इसलिए जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है अगर वो सेव हो रही है तो वो लगभग एक डेटा एंट्री की जॉब होती है, वो पर्टिकुलर किसी प्रोफाइल की जॉब नहीं होती है। आप एक्सेल पे किसी की एंट्री कर रहे हो, कितने विजिटर आए, कितने गए या कितने का इंटरव्यू है या किनका इंटरव्यू हो गया, तो बेसिकली जो टाइपिंग का काम होता है या एक्सेल पे टाइपिंग करके पूरी सीट बनाते हैं तो वहाँ पर ये जॉब्स होती हैं बेसिकली डेटा एंट्री की। अगर यहीं पे मैं बात करूँ एक फाइनेंस कंपनी की, तो जो इनका जितना ट्रांजैक्शन होता है, किसको कितना लोन दिलाया, कहाँ से क्या आया, क्या डॉक्यूमेंट्स आ गए, क्या ये सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत सारा काम होता है डेटा एंट्री में। काम का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं डेटा एंट्री में भी, जो वो लोग एक्सेल पे अपडेट करते हैं या कहीं और पे भी अपडेट करते हैं। वो कंपनी का अपना अपना रूल होता है, कोई वर्ड पे भी अपडेट कराता है, एंट्री करवाता है, कोई एक्सेल पे भी एंट्री करवाता है। बेसिकली एक्सेल में ज्यादातर होता है क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एडवांटेज मिल जाता है कि आप डायरेक्ट कंट्रोल F करके वहां पे फाइंड कर सकते हो और किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी जो जिसने लोन लिया उसकी अगर डिटेल चाहिए तो वहां से हम लोग बेसिकली कंट्रोल F करके डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर कंपनी जो यूज करती है वो एक्सेल यूज करती है। तो अगर आपको डेटा एंट्री में जॉब चाहिए तो आपको एक्सेल आना मस्ट है, आपको एक्सेल आना ही चाहिए। यानी कि मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपको ऑन स्पॉट चाहिए तो आप एक्सेल पे मास्टर बन जाओ एकदम। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जॉब्स मिलेगी कैसे, तो मैं बता दूं जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं जॉब्स के लिए, आप किसी भी बेसिकली रजिस्टर करोगे तो ऑनलाइन पोर्टल के लिए वहाँ पे जॉब्स बहुत जल्दी, डेटा एंट्री के लिए तो बहुत जल्दी मिल जाती है। ये मैं 100% की गारंटी और श्योरिटी दे सकता हूँ क्योंकि बेसिकली ये स्टार्टिंग जॉब ही होती है 9,000, 10,000, 11,000 ऐसी जॉब्स होती हैं, तो आपको स्टार्टिंग में जॉब मिल जाएगी डेटा एंट्री की, नो डाउट। क्योंकि मैं नहीं मानता ये पर्टिकुलर कोई प्रोफाइल की जॉब होती है, कुछ और होता है। बेसिकली डेटा एंट्री की जॉब अगर डायरेक्ट वॉक इन में भी जा रहे हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ इंटरव्यू में आपने बता पाया इंटरव्यूअर को, तो वहाँ पे आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन मैं यही कहूँगा कि 99% आपके जॉब के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो कोई सी भी कंपनी हो। सो बेसिकली अगर आपको डेटा एंट्री में जॉब चाहिए तो बहुत ही आराम से और ईजिली मिल सकती है। आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपना एक स्टार्टिंग करियर कर सकते हो और उसके बाद अपना करियर को बूस्ट करा सकते हो। आप चाहे फिर वो IT में चले जाओ, अकाउंट्स में चले जाओ, BPO के सेक्टर में चले जाओ, यानी किसी भी प्रोफाइल में आप वहाँ से जा सकते तो बेसिकली तो जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं और आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है कि आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपको अकाउंट्स में टैली वगैरह पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। बेसिकली जो नॉर्मली होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसी पे कमांड करना होता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट है क्वेरी, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।